आवाज आ रही है सबको? स्टूडेंट्स ठीक है, गुड। ओके, अच्छा कल हमने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो है वो स्टार्ट किए थे, ठीक है? तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या है, पढ़ा था आप लोगों ने? अब उसके बाद लेक्चर के बाद पढ़ा था आप लोगों ने कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या है, ठीक है? तो कल हमने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन स्टार्ट किए थे। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का मतलब है वो इम्यून रिस्पॉन्सेस या वो इनएप्रोप्रिएट या एग्जिजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्सेस जो कि होस्ट के लिए, जो कि होस्ट के लिए या जो पर्सन है या जो बॉडी है उसके लिए हार्मफुल हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ओके स्टूडेंट्स, कहाँ से पढ़ना था? मीडिएटर्स तो पढ़े थे हमने, हिस्टामिन ये भी पढ़े थे, ठीक है? ओके ओके ओके, एटॉपी से पढ़ना था, एपालेक्सिस भी पढ़ा था। ओके, एटॉपी क्या है? एटॉपी वर्ड जो था वो सबसे अच्छा शमसा जावेद, हाइपर सेंसिटिविटी डिनोटेड द इम्यून रिस्पॉन्स दैट रिजल्ट इन एग्जैजरेटेड एंड इनएप्रोप्रिएट, वेरी गुड, ठीक है? इनएप्रोप्रिएट एंड एग्जैजरेटेड हियर अप फॉर, वेरी गुड, ओके, ठीक है, चले, मतलब सबको आता है, ठीक है। एटॉफी क्या है? एटॉफी वर्ड जो था वो सबसे पहले जो है वो कोका ने 1923 में यूज किया था, ठीक है? और इसका मतलब क्या है? टू डिनोट अ कंडीशन ऑफ फेमिलियर हाइपर सेंसिटिविटी दैट अकर स्पॉन्टेनियसली इन ह्यूमन। इसने कहा था कि इसका एटॉपी का मतलब ये है कि जो फेमिलियर हाइपर सेंसिटिविटीज है जो स्पॉन्टेनियसली इंसान के अंदर, जो स्पॉन्टेनियसली ह्यूमन के अंदर जो है वो अक्कर होती है, वो क्या है? वो एटॉपी है। एटॉपी जो है ये बार बार आती है, रिकरेंट है, बार बार आ सकती है, ठीक है? नॉन फेटल है, ज्यादा खतरनाक नहीं है, फेटल नहीं है, ठीक है? लीथल नहीं है ज्यादा, ठीक है? एंड लोकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और लोकली रिएक्शन है ये, इसीलिए जो ये नॉन फेटल है, लेकिन ये इसमें एक जो खतरे की बात है वो ये है कि ये बार बार आती है, ये रिकरेंट है। ये एक स्पेसिफिक टिश्यू तक लोकलाइज है, स्पेसिफिक टिश्यू तक जो है ये लिमिटेड है, ठीक है? और मोस्टली जो है इसमें एपिथेलियल सर्फेसिस जो है वो इन्वॉल्व है, एपिथेलियल सर्फेसिस के ऊपर जो है ये एंटर करती है, ठीक है? आवाज कट रही है? आवाज कैसे कट रही है? सबको वॉइस इश्यू है? जिस जिसको वॉइस इश्यू है वो बता दें। ओके, एटॉपी की समझ नहीं है, ठीक है? एटॉपी वर्ड जो था ये सबसे पहले कोका ने 1923 में यूज किया था। इसने कहा था कि एटॉपी जो है ये वो हाइपर सेंसिटिविटीज है, वो एलर्जीज है जो स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद जो है वो इंसान के अंदर अक्कर होती है, लेकिन ये बार बार आती है, ठीक है? बार बार आने वाली एलर्जी से, लेकिन ये नॉन फेटल है। नॉन फेटल इसलिए है, ठीक है? ज्यादा खतरनाक इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोकली किसी एक
टिश्यू को या किसी एक ऑर्गन को पकड़ लेती है, ठीक है। मोस्टली जो ये मीडिएट होती है आईजीई, मोस्टली नहीं बल्कि ये मीडिएट होती है आईजीई एंटीबॉडीज की वजह से या आईजी एंटीबॉडीज के थ्रू। और कॉमन मैनिफेस्टेशन जो इसके है ये एस्थमा या रिनाइटिस से, अर्टिकेरिया या एटॉपिक डर्माटाइटिस से, ठीक है। एटॉपिक का मतलब ये है कि ये वो एलर्जीज है जो कि स्पॉन्टेनियसली खुद बहुत इंसान के अंदर आती है, जिस तरह एस्थमा है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो एस्थमेटिक होते हैं बाय बर्थ। एटॉपी मोस्टली अक्सर कभी कभार जो ये बाय बर्थ भी होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन वो एलर्जी जो है वो बार बार आती है, बार बार जो है वो किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन को जो है वो प्रोन हो जाती है, तो वो लोग जो है वो एस्थमेटिक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये एस्थमा जो है ये इतना फैटल नहीं है कि उनकी जान ले ले उसी टाइम, ठीक है। ये लोकल है, सिर्फ और सिर्फ जो है ये एक रेस्पिरेटरी ट्रैक में दूध रहती है, या रिनाइटिस है, ठीक है। रनी नोज जो है, ठीक है, नोज के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या इसके अलावा अर्टिकेरिया है, ठीक है, स्किन के ऊपर जो है वो रैशेस वगैरह बन जाते हैं, या एटॉपिक डर्माटाइटिस है, ठीक है, स्किन की एलर्जी जो है। अब इन एलर्जी को हम टेस्ट कैसे करते हैं? इन एलर्जीज को हम टेस्ट करते हैं स्किन टेस्ट के थ्रू, ठीक है। इन एलर्जी को टेस्ट करते हैं हम, सर जी मुझे तो आवाज आती नहीं है किसी भी लेक्चर में, अफसाना जी तो आप लेक्चर कैसे लेती हो भैया, किसी भी लेक्चर में आपको आवाज नहीं आती? जी जी एटोपी जो है वो बाय बर्थ हो सकती है, पॉसिबल है कि बाय बर्थ हो, जरूरी नहीं है, पॉसिबल है, ठीक है, ओके। अब इन एलर्जीज को हम चेक करते हैं स्किन टेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो द स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एलर्जेंस आर इंट्रोड्यूस्ड टू स्पेसिफिक स्किन। अब हम इसको किस तरह चेक करते हैं? मुख्तलिफ एलर्जेंस हम ले लेते हैं, ठीक है। जब इस तरह इधर देखो, ठीक है, डस्ट है, माइट है, कौन पता नहीं कौन क्या है, ठीक है, ग्रास है, शर्ब है, ट्री है, ठीक है, ये सारी एलर्जीज उन्होंने ली है, ठीक है। मुख्तलिफ एलर्जेंस इन्होंने लिए है। उन एलर्जेंस के साथ इन्होंने क्या किया? उन एलर्जेंस के साथ वो आपकी किसी भी स्किन किसी भी साइड पे, ठीक है, वो किसी भी साइड पे इंट्राडर्मली जो है वो इंजेक्ट कर लेते हैं। समटाइम बाय बर्थ होती है, बिल्कुल समटाइम बाय बर्थ होती है, ठीक है, टॉपिक ओके। अच्छा, अब हम इन एलर्जी को, इन एलर्जेंस को हम टेस्ट कैसे करते हैं? टॉपिक को रिपीट कर दीजिएगा, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, ओके। अदील टॉपिक जो है ना, ये बाय बर्थ या स्पॉन्टेनियस कुछ एलर्जीज होती है, जरूरी नहीं है कि ये बाय बर्थ हो, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस कुछ एलर्जीज होती है जो कि खुद ब खुद शुरू हो जाती है, ज्यादा फैटल नहीं है, ठीक है, नॉन फैटल है, और ये लिमिटेड है किसी एक स्पेसिफिक टिश्यू को या किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन को, ठीक है, जिसमें रिनाइटिस आता है, एलर्जिक रिनाइटिस, एस्थमा आता है, ठीक है, इसके अलावा जो है एटॉपिक डर्माटाइटिस वगैरह आती है या अर्टिकेरिया वगैरह आती है, ठीक है। अब इन एलर्जेंस को हम टेस्ट कैसे करते हैं? तो एलर्जन को हम स्किन टेस्ट के जरिए जो वो टेस्ट कर लेते हैं, डिफरेंट एलर्जेंस हम ले लेते हैं और उनको इंट्राडर्मली जो है वो इंजेक्ट कर लेते हैं किसी भी स्किन साइड के ऊपर। जब हम इंट्राडर्मली इनको इंजेक्ट कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद एलर्जिन कैन बी अप्लाई टू द साइड ऑफ फोरआर्म और बैक ऑफ द, या हम जो है वो एट वन टाइम, एक ही टाइम पे जो है हम या तो फोरआर्म पे उसे इंजेक्ट कर लेते हैं या बैक पे इंजेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर एलर्जन जो है, अगर ये इंडिविजुअल किसी एक चीज को एलर्जिक है जो हमने इंजेक्ट किए हैं, ठीक है, तो वहां पे जो है वो डिग्रेनुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, लोकली जो है वहां पे व्हील्स बन जाएगी, फ्लेयर बन जाएगी। व्हील्स और फ्लेयर्स क्या है? व्हील्स जो है वो जिस तरह मच्छर काटता है ना, उसके बाद जो व्हील बनता है उसे व्हील कहते हैं, ठीक है। एक जगह जो है वो उस वहां पे जो है थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, तो या तो व्हील बन जाएगा या जो है वो फ्लेयर बन जाएगा। फ्लेयर क्या है? फ्लेयर जिस तरह ना आग के शोले नहीं भड़कते, मतलब आग के शोले जिस तरह होते हैं, सेम इस तरह फ्लेम जिस तरह होते हैं, फ्लेम की तरह वहां पे जो है ना, यहाँ पे जो रेडनेस हो जाएगी, वहां पे एक फ्लेयर बन जाएगा, ठीक है, विद इन 30 मिनट्स। इसकी समझ आ गई? दोबारा सुन लो, एलर्जी टेस्टिंग बाय स्किन टेस्ट। एलर्जेंस को हम किस तरह चेक करते हैं कि आया ये बंदा, ये इंसान जो इस चीज से एलर्जिक है या नहीं है? हम डिफरेंट एलर्जेंस ले लेते हैं, डिफरेंट एलर्जेंस को हम इंट्राडर्मली जो वो इंजेक्ट कर लेते हैं फोर आर्म पे या बैक ऑफ द आर्म पे, और 30 मिनट्स के लिए उसे देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं। अगर 30 मिनट्स के अंदर अंदर किसी एक एलर्जन का जो है वो
व्हील या फ्लेयर जो है वो बन जाते हैं, वहाँ पे जो है वो रेडनेस स्वेलिंग हो जाती है, तो हम कहते हैं कि ये बंदा इस चीज़ से एलर्जिक है। अगर नहीं बनता वहाँ पे जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, तो ये बंदा जो है उस चीज़ से एलर्जिक नहीं है। ठीक है, अब समझ आ गई। ओके, अब इसका फायदा क्या है? फायदा इसका ये कि एक तो एट अ टाइम जो है वो हमें हम काफी सारी चीजों को जो है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि लेस एक्सपेंसिव है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है? डिसएडवांटेज उसका ये है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि लेस केसेस ऑफ सेंसिटाइज, आप कुछ चीजें जो है ना वो 30 मिनट्स में जो है वो रिएक्शन नहीं करता। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको रिएक्शन करने के लिए 4 से 6 घंटे लगते हैं, और हम ये टेस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के लिए। ठीक है, तो कभी कभार इन चीज़ों का पता नहीं चलता। सुपरफिशियल स्क्रैचिंग का ये मतलब है, जिस तरह वो स्क्रैचेस नहीं पड़ती, इस तरह जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बंदा जो है वो गिर जाता है, या नाखून से अगर आपने ज्यादा से जो है उस तरह रब किया तो स्क्रैचेस बन जाते हैं, जिसको सुपरफिशियल स्क्रैचिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और मेथड जो है वो हम यूज करते हैं, अदर मेथड्स में जो है वो हम इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे करवा सकते हैं। ठीक है, सीरम के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज को चेक कर लेते हैं। इसके अलावा जो है वो हम रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं। इसके अलावा हम इम्यूनोफ्लोरेसेंट मेथड यूज करते हैं, एलिसा वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेंसिटाइज इंडिविजुअल का मतलब है जो बंदा जो है वो सेंसिटिव है, जो बंदा जो है वो एलर्जिक है। सेंसिटाइज इंडिविजुअल मीन एलर्जिक इंडिविजुअल। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन? या तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लो। चलो, ओके, जिसका लिंक अभी ओपन हुआ है, हमने अभी ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक के बारे में पढ़ा। ठीक है, सर जी सेंसिटाइज वाला पॉइंट रिपीट कर दे प्लीज। सेंसिटाइज वाला, सेंसिटाइज वाला कौन सा पार्ट? द डिसएडवांटेज यू आर अप। सेकंड पॉइंट, अच्छा अदीना का क्वेश्चन है सर, एटॉपिक टेस्ट को स्किन टेस्ट कहते हैं। एटॉपिक के टेस्ट को स्किन टेस्ट नहीं कहते, एटॉपिक को हम स्किन टेस्ट के जरिए जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ टेस्ट हैं एटॉपिक को चेक करने के लिए या एटॉपिक को टेस्ट करने के लिए, मुख्तलिफ टेस्ट यूज होते हैं, जिनमें एक जो है वो स्किन टेस्ट है, एक जो है वो रिस्ट है जिनको हम रेडियो इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कहते हैं, दूसरा जो है वो रास्ट है रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट इस है, नेक्स्ट जो है वो है इम्यूनो फ्लोरेसेंट मेथड है। ठीक है, इसके अलावा एलिसा और पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट वगैरह जो है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, अब अंबर का क्वेश्चन है कि सेंसिटाइज वाला पॉइंट जो है वो रिपीट कर ले। जब भी हम स्किन टेस्ट करते हैं ना, तो स्किन टेस्ट का फायदा ये है ना, सबसे पहले हम फायदे की बात करते हैं, एडवांटेज की बात करते हैं। तो एडवांटेज ये है कि बहुत कम टाइम में जो है हम मल्टीपल चीजों को टेस्ट कर लेते हैं। दूसरा जो फायदा है इसका वो ये है कि ये लेस एक्सपेंसिव है। लेकिन आप सेकंड पॉइंट की आपको समझ नहीं है, तो सेकंड पॉइंट में हमने डिसएडवांटेजेस की बात की है। डिसएडवांटेजेस जो स्किन टेस्ट के हैं वो ये है कि कुछ लोग जो है ना वो लेस सेंसिटिव होते हैं।
उनमें रिएक्शन जो है वो जल्दी नहीं आते, ठीक है, उनमें रिएक्शन के लिए आधा घंटा नहीं बल्कि 4 से 6 घंटे लगते हैं। तो ये जो है ये एक डिसएडवांटेज है हमारा टेस्ट जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं लेस सेंसिटिव हूँ, ठीक है, मैं आपके पास आए और आप जो है वो मेरा स्किन टेस्ट कर रही है, आपने मुख्तलिफ एलर्जन जो है वो इंजेक्ट कर लिए, ठीक है, अब मैं लेस सेंसिटिव हूँ, लेस सेंसिटिव हूँ मैं, रिएक्शन आने के लिए मुझे चाहिए 4 से 6 घंटे, लेकिन आपका टेस्ट जो है वो है सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स का, आपने 30 मिनट्स वेट किया, आपने मुझे कहा ठीक है आप जाए आपको कोई एलर्जी नहीं है, मैं घर गया आराम से अपना काम कर रहा हूँ जहाँ, ठीक है, 4 से 6 घंटे बाद जो है आप मुझे एलर्जी हो गई, तो ये इस टेस्ट का एक डिसएडवांटेज है। अब समझ आ गई? ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? So less sensitive mean it depend upon allergen amount to cause allergy or other thing. Depend करता है वो allergen पे भी, ठीक है, इसके अलावा वो depend करता है उस बंदे के sensitivity पे भी, ठीक है, allergen के power पे भी depend करता है, allergen के timing पे भी depend करता है, ठीक है, site आप injection पे भी depend करता है, इसके अलावा जो है वो उस बंदे के सेंसिटिविटी पे भी डिपेंड करता है, उसके अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर भी डिपेंडेंट है, ठीक है, ये चीजें तो दोनों साइडों पे डिपेंडेंट है, ठीक है, मिनाहिल 3 3 मतलब ओके चले। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हो। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में अगर कोई मिस आता हो, ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लो, नहीं तो मैं पूछने लगा हूं आप लोगों से। लिस्ट मेरे पास मौजूद है कि कौन कौन इस वक्त जो है वो ऑनलाइन है। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। नहीं है कोई क्वेश्चन, चले अब मैं किसी स्पेसिफिक बंदे से क्वेश्चन पूछूंगा। किससे पूछूं मैं, किससे पूछूं? खुशनूद, ठीक है, कुछ नोट से क्या पूछो, ठीक है, खुशनूद आप मुझे ये बताओ कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में कितने फेजेस है, इसका जो मैकेनिज्म है वो कितने फेजेस पे वर्कआउट करता है, कितने फेजेस है इसके। मलाइका ने सेम क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, निमरा का क्वेश्चन है एफसी रिसेप्टर जिधर एलर्जन ने आके एंटीबॉडी से अटैच होना होता है। हाँ जी ऐसा ही है, एफसी रिसेप्टर वही है जहाँ पे आके उन्होंने अटैच होना होता है। अदीना एनाफाइलेक्सिस बता दूं, ठीक है बताता हूँ। मलाइका का क्वेश्चन है सर हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 में जो एलर्जन फेज 1 में अटैक करता है वो दूसरी बार अटैक करता है एट फेज 2? मस्ट है, दो फेजेस है, वेरी गुड, ठीक है।
मलाइका का क्वेश्चन है कि हाइपर सेंसिटिविटी टाइप वन में जो एलर्जन फेज वन में अटैक करता है वही दूसरी बार अटैक करता है, सेम वही एलर्जन अटैक करेगा तो फेज टू आएगा, अगर कोई और एलर्जन अटैक करेगा तो फिर उसका अलग ही फेज वन बनेगा। ठीक है, जो एलर्जन फेज वन में अटैक करेगा सेम एलर्जन जो है वो फेज टू में अटैक करेगा। ठीक है, दो फेजेस है, प्राइमरी डोज है सेकेंडरी डोज है, प्राइमरी डोज को हम इनिशियल डोज कहते हैं, सेकेंडरी डोज को हम शॉकिंग डोज कहते हैं। ठीक है, जो एलर्जन प्राइमिंग डोज में इनिशियल डोज में जो है वो एक्ट करेगा अटैक करेगा, सेम वही एलर्जन जो है वो दोबारा आके सेकेंडरी फेज में अटैक करेगा तो ही एलर्जी जो है वो कॉज होगी। फर्स्ट फेज में आपको एलर्जी नहीं हो सकती, फर्स्ट फेज में ये कि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है। ठीक है, और वो सिर्फ प्राइमिंग स्टार्ट हो जाती है वहां भी। सेकेंडरी फेज में क्या होता है, सेकेंडरी फेज में जो है जब ये दोबारा अटैक करता है तो तब जो है ये एंटीबॉडीज IgE एंटीबॉडीज ये किस चीज के ऊपर पड़ी होती है, ये अटैच होती है मैस सेल्स के ऊपर। जब ये अटैक करता है तो मैस सेल के अंदर जो एक मैसेज जनरेट होता है और वहां पे जितने भी फ्लूइड वहां पे जितने भी मेम्ब्रेन के पास वेसिकल्स पड़े हैं वो वेसिकल्स जो है वो रप्चर हो जाते हैं और मुख्तलिफ वेसिव एक्टिव अमाइंस जो है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, ओके, एनाफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्सिस किधर गया, एनाफाइलेक्सिस एनाफाइलेक्सिस का मतलब एलर्जी। ठीक है, ये जो टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी है ना इनको हम एनाफाइलेक्सिस कहते हैं। जी जी बिल्कुल, मैस सेल के ऊपर फेज टू में या जो शॉकिंग फेज है उसमें मैस सेल के ऊपर होती है और जो फेज वन में उसमें बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर होती है। ओके, कोई और क्वेश्चन? इसका मतलब हाइपर सेंसिटिविटी काफी मुश्किल है। चले ओके कोई और क्वेश्चन? सिंपल वर्ड में एनाफाइलेक्सिस का मतलब यही है, एलर्जी। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। आज वाली फर्स्ट स्लाइड बता दूं शॉर्टली। ओके, आज वाली फर्स्ट स्लाइड जो है उसमें हमने एटोपी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, एटोपी जो है ये नॉन फेटल एलर्जीज है। ठीक है, जो कि मोस्टली स्पॉन्टेनियसली अकर होती है। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली अकर होती है ये एलर्जी जो है ये नॉन फेटल होती है। ठीक है, और ये लोकलाइज होती है किसी स्पेसिफिक टिश्यू को या किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को। जिस तरह क्या है, जिस तरह एस्थमा है, ठीक है, एलर्जिक राइनाइटिस है या अर्टिगेरिया वगैरह। ठीक है, व्हाट इज एफसी फैक्टर? एफसी फैक्टर जो है ना ये वो फैक्टर है जहां पे आके सीडी फोर, दो तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, टी बी लिम्फोसाइट्स में दो तरह के सेल्स होते हैं, सीडी फोर और सीडी एट। सीडी फोर कहां पे है मुझे भी बताया जरा। CD4 आ गया। CD4 जो है ये सेल्स हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं CD4 और CD8। CD4 असल में जो है ना ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ठीक है, जो कि इम्यून सेल के सरफेस के ऊपर पड़े होते हैं, मोस्टली जो है ये टी हेल्पर सेल्स के ऊपर जो है ये पड़े होते हैं। ठीक है,
टी हेल्पर सेल्स जो है इसके दो तरह के सेल्स होते हैं, CD4 और CD8। ठीक है, ओके और कोई क्वेश्चन? अच्छा, एफ सी की आप लोग बात कर रहे हो ना, एफ सी दो तरह के होते हैं, एक होता है एफ सी रिसेप्टर, एक होता है एफ सी फ्रेगमेंट। ठीक है, जो एफ सी रिसेप्टर है ना, एफ सी रिसेप्टर मौजूद होता है कहाँ पे? एफ सी रिसेप्टर जो मौजूद होता है वो किसी सेल के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, और जो एफ सी फ्रेगमेंट होता है ना, ये एंटीबॉडी के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, और जहां पे ये दोनों अटैच करते हैं, एफ सी फ्रेगमेंट जो है वो आके एफ सी रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो जाता है। ओके, और कोई क्वेश्चन? IL-4 जो है ये भी रिसेप्टर्स हैं, IL-4 जो है ये इंटरल्यूकिन रिसेप्टर्स है। ठीक है, IL-4 इज इंटरल्यूकिन रिसेप्टर्स। ओके, कोई और क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे उनको ये क्वेश्चंस क्लियर है? याद है, क्लियर है? आगे जाएं, आगे पढ़ें। ओके सर, जो आपने लास्ट में ब्लू कलर में ड्रग दी हुई है वो करनी है? नहीं नहीं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो ब्लू कलर में ड्रग्स है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें सिर्फ आप नाम याद रख ले बस, और कुछ नहीं है। आपको पता हो बस कि ये वाले ड्रग्स ना, इसमें सिर्फ नाम याद रखें कि एंटी हिस्टामिन हम देते हैं, बस एंटी हिस्टामिन का नाम ज्यादा याद रखें। ठीक है, इसके अलावा बाकी ये जो एपिनेफ्रीन वगैरह, कॉर्टिसोन वगैरह, बस सिर्फ नाम आने चाहिए। ठीक है, ओके, और भी क्वेश्चन?
आईएएस कहाँ पे है? अच्छा आईएएस तो वैसे हेल्थ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन को कहते हैं, लेकिन है कहाँ पे? एचएआईएस किस स्लाइड पे है मिनाहिल? वैसे कहते हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन को। नोजो वाली बीपीटी में, नोजोकोमियल वाले में ना हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन को कहते हैं। ठीक है, ओके। ओके, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन को कहते हैं, ठीक है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। जो भी क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। पूछा मैंने सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने मुझे लगा कि शायद इसमें। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिनको हम साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, टाइप टू या साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है ये मीडिएट होते हैं। टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय एंटीबॉडी डायरेक्टेड अगेंस्ट एंटीजन ऑन द सेल मेम्ब्रेन, दे एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट देयर बाय कॉजिंग एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल। ठीक है, आवाज का इश्यू है सबको? किस किस को इशू आ रहा है आवाज का? ओके, चले जिस जिसको, ठीक है, क्लियर है। ओके, साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या है? साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का मतलब ये है कि इसमें जो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जाके अटैक करना है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो एंटीजन लगा हुआ है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो एंटीजन अटैच है उसके ऊपर उन्होंने अटैक करना है, उसके ऊपर जो है ये उसकी तरफ जो है ये अट्रैक्ट होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, और वहां पे जो है ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है तो वहां पे एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन हो जाती है उस सेल की। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज डैमेज बाय मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के दौरान वहां पे जो है एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन जाता है और उसके जरिए जो वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है। द रिएक्शन इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ IgG और IgM एंटीबॉडीज विद द सेल फिक्स एंटीजन और अल्टरनेटिवली सर्कुलेटिंग एंटीजन एब्जॉर्ब ऑन टू सेल। इसमें जो एंटीजन इन्वॉल्व है, एंटीजन या तो सेल के ऊपर फिक्स है और या जो है वो सेल के अंदर जो एब्जॉर्ब हुआ हो, लेकिन कोई सर्कुलेटरी एंटीजन है, कहीं बाहर कहीं किसी कहीं और से आया हुआ एंटीजन है लेकिन इस सेल के ऊपर जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है। अब इसके अंदर जो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है, इसके अंदर एंटीबॉडीज जो है या IgG एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है या IgM एंटीबॉडीज जो है वो इन्वॉल्व है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन लीड टू कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे होता क्या है कि एंटीजन और एंटीबॉडी जो है इनका इनके रिएक्शन की वजह से जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट क्यों होता है कि जब ये एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो ये एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इस मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करके उस सेल को डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, मैं इसलिए स्पीडली बोल रहा था कि ऑलरेडी आप लोगों ने ये पढ़ा है। ठीक है, चले दोबारा सुन ले, आराम से सुन ले। साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर जो है ये इसमें दो तरह के एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है, या तो IgG एंटीबॉडीज है और या IgM एंटीबॉडीज है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, अब इसने क्या करना, इन एंटीबॉडीज ने जाके मेम्ब्रेन के ऊपर जो एंटीजन है उसके ऊपर अटैक करना है, उसकी उसके साथ रिएक्शन करना है, उसके ऊपर उसकी तरफ जो ये रिएक्ट करना है इसने। अब
सेल के ऊपर जो एंटीजन है, या तो वो सेल के ऊपर अपना फिक्स एंटीजन है या कोई सर्कुलेटरी एंटीजन वहां पे आके सेल में एब्सॉर्ब हुआ है। अब इन एंटीबॉडीज ने क्या करना है, इन एंटीबॉडीज और उस एंटीजन ने आपस में रिएक्ट करना है। रिएक्ट करके उन्होंने एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाना है। जब ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करना है, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने एक्टिवेट करके एक्टिवेट होकर उस सेल के मेम्ब्रेन को डैमेज कर देना, उस सेल को डैमेज कर देना। आवाज नहीं आ रही, आई थिंक कुछ बच्चों को इशू आ रहा है आवाज का, तो आई थिंक जिसको इशू है आवाज का, बाकी को नहीं है, तो वो अपनी जगह चेंज कर ले या अपना नेट कनेक्शन जो है वो चेक कर ले। सबको नहीं आ रही, सिर्फ अदीना को आई थिंक आवाज नहीं जा रही, बाकी तो सबको ठीक है, कोई इशू नहीं है। साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी का पता चल गया आप लोगों को, ठीक है। आवाज नहीं आ रही, आवाज का इशू किस किस को है, ठीक है। जो टारगेट सेल होता है ना, टारगेट सेल के ऊपर जो सरफेस एंटीजेंस होते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज ने अब ठीक है ओके, आईजीएम या आईजीजी एंटीबॉडीज बन जाती है बॉडी में, उन आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज ने क्या करना है, जाके सेल सरफेस के ऊपर जो एंटीजन है उसके साथ अटैच होना है, उसके साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक नेचुरल किलर सेल्स जो है वो भी आ जाते हैं, वो भी साइटोटॉक्सिक एक्शन कर लेते हैं, ठीक है, उस चीज को किल कर देते हैं, या जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है ना, तो वहां पे दो तरह की चीजें हो सकती है, या तो ऑस्मोटिक लाइसिस होती है, और या जो है वो ऑप्शनाइजेशन के जरिए जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो पेगोसाइटोसिस करता है, ठीक है। या तो कोई इशू, मैकेनिज्म यही है, सेल के ऊपर अपनी एंटीजन है। मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को ब्लड सेल की, ठीक है, जो ब्लड ग्रुप होता है हमारा, फॉर एग्जांपल मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो ओ पॉजिटिव है। अब मेरी सेल्स, फॉर एग्जांपल अगर किसी का ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव के ऊपर जो है वो ए एंटीजन मौजूद होगा, ठीक है, ए एंटीजन जो है वो मौजूद होगा। उस ए एंटीजन ने क्या करना है, उस ए एंटीजन ने ये करना है कि उसके ऊपर ए एंटीजन मौजूद है, यहाँ पे जो है वो एंटीबॉडीज बन जाती है बॉडी के अंदर, आईजीएम या आईजीजी एंटीबॉडीज बन जाती है। इन एंटीबॉडीज ने क्या करना है, इन एंटीबॉडीज ने जाके उस एंटीजन के साथ अटैच होना। जब उस एंटीजन के साथ अटैच हो जाए तो ब्लड के अंदर जो है वो नेचुरल किलर सेल्स भी पड़े हैं, ठीक है, एक तो नेचुरल किलर सेल्स भी कुछ साइटोटॉक्सिक एक्शन करते हैं, दूसरी बात ये है कि ये दोनों जो है कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। जब ये दोनों कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है तो सेल की डिस्ट्रक्शन होती है दो तरह की, एक होती है ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस क्या है कि सेल के अंदर जो वाटर है ना, सेल के अंदर जो पानी है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से सेल जो है वो बर्स्ट कर जाते हैं, वो फट जाते हैं, ठीक है। दूसरी जो बात है वो ऑप्शनाइजेशन है। ऑप्शनाइजेशन के जरिए जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और पेगोसाइटोसिस के जरिए जो है ये सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, ऑप्शनाइजेशन का क्या मतलब है, ठीक है। ऑप्शनाइजेशन का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फेगोसाइट्स मौजूद हैं, ठीक है,
अब फेगोसाइट्स के लिए इन्वेडिंग पार्टिकल को आइडेंटिफाई करने करने को ऑप्शनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शनाइजेशन में जो मॉलिक्यूल्स यूज होती है उनको कहते हैं ऑप्शनिन। ऑप्शनिन वो मॉलिक्यूल्स है जो कि पेगोसाइटोसिस को इनहेंस करते हैं, ठीक है। पेगोसाइट्स के लिए बाहर से आने वाले पार्टिकल को आइडेंटिफाई करने को ऑप्शनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब क्लियर है? ठीक है। सेल सर सेल टारगेट सेल के ऊपर जो है अपनी सरफेस एंटीजन मौजूद है, ठीक है। उन सरफेस एंटीजन को एंटीबॉडीज ने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। अब इन एंटीबॉडीज ने ये एंटीबॉडीज आके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। जब ये एंटीबॉडीज अटैच हो जाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और उस मेम्ब्रेन बाउंडेड कॉम्प्लेक्स की वजह से जो इस सेल के यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जरिए जो है ये इस सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अब सेल के डिस्ट्रक्शन की दो मैकेनिज्म है। एक है ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस में क्या होता है कि सेल के अंदर जितना पानी है ना, जितना फ्लूइड मौजूद है, वो इम्बैलेंस हो जाता है। और इम्बैलेंस फ्लूइड इम्बैलेंस की वजह से सेल्स जो है वो रप्चर कर जाते हैं, ठीक है, रप्चर हो जाते हैं। दूसरा काम जो है वो ऑप्शनाइजेशन है। ऑप्शनाइजेशन पेगोसाइटोसिस के जरिए भी होती है और C3B। C3B का मतलब है ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम C3B, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर जो है वो 20 डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद है, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का थर्ड मॉलिक्यूल है C3B, उसकी वजह से जो है यहाँ पे ऑप्शनाइजेशन होती है और सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अब करें आप कोई क्वेश्चन? ठीक है। अब मुझे ये बताएं ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग क्या है? एनीवन? ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग नाम सुना है? दो तरह की ब्लड ग्रुपिंग है, एक को हम कहते हैं एबीओ सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं रेसस सिस्टम, जिनको आरएच फैक्टर बोलते हैं। एंटीजन, बिल्कुल एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। लुबाइना का क्वेश्चन है सर, एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है टारगेट सेल पे या एंटीबॉडीज बाद में आती है? और एंटीबॉडीज बाद में आती है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। दो तरह की ब्लड ग्रुपिंग है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच सिस्टम, ठीक है। एबीओ का मतलब है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी एंड ब्लड ग्रुप, ठीक है। आरएच को नहीं कहते एबीओ, क्या हो गया? आरएच फैक्टर की वजह से, अगर आरएच फैक्टर के अंदर कुछ एंटीजन्स मौजूद होते हैं जिनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है डी एंटीजन। और डी एंटीजन अगर किसी की ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव होगा, और किसी की ब्लड ग्रुप में अगर एबसेंट है तो वो उनका ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव होगा। सुना हुआ है ना? वेरी गुड, शुक्र है, सिर्फ सुना ही है, मैंने पढ़ाया नहीं था। तो सुना है या पढ़ा भी है?
ओके, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, रेड ब्लड सेल के टाइप्स होते हैं, ठीक है, ए एंटीजन, बी, ए बी एंड ओ, ठीक है। हर एक सेल के ऊपर जो अपने अपना एक एंटीजन मौजूद होता है और उसके खिलाफ प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज मौजूद होती है, ठीक है। अगर किसी का ग्रुप ए है तो उसके सेल्स के ऊपर जो एंटीजन मौजूद होगा वो ए एंटीजन होगा, लेकिन उसके प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज होंगे वो एंटी बी होंगे, ठीक है। सेम एज बी के अंदर जो है वो एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडीज जो है वो ए के खिलाफ बनेंगे, ठीक है। ग्रुप ए बी के ऊपर जो है वो ए और बी दोनों एंटीजन होंगे, इसलिए उनके प्लाज्मा के अंदर जो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। इस वजह से जो है ये ए बी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यूनिवर्सल रिसिपियंट कहते हैं, ठीक है। इसको कोई भी जो है वो ब्लड दे सकता है। उसके बाद जो है वो ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, ओ के ऊपर जो है वो कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता, लेकिन इनके प्लाज्मा के अंदर जो है वो ए और बी दोनों एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है। इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ को सिर्फ ओ ही ब्लड दे सकता है, ठीक है। और अगर नेगेटिव है, रेसिस भी नेगेटिव है, आरएच फैक्टर जो है वो भी नेगेटिव है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है किसी का, तो वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है ये यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, क्योंकि उसके ब्लड के अंदर जो है वो एंटीजन मौजूद नहीं है, उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे। क्लासिफिकेशन ह्यूमन बेस्ड इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज ऑफ आरबीसी, वेरी गुड, सुना भी आपसे। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग की समझ आ रही है। ए बी मेक नो एंटीबॉडी एंड देयरफॉर विल नॉट रिएक्ट विद एनी टाइप ऑफ ब्लड डोनेटेड, दैट्स व्हाई यूनिवर्सल रिसिपिएंट, बिल्कुल ऐसा ही है, वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताएं कि ब्लड ग्रुप ए के अंदर ए एंटीजन मौजूद है तो बी एंटीबॉडीज क्यों मौजूद है, रीजन क्या है? अगर एंटीजन ए मौजूद है और एंटीजन एंटीबॉडी भी ए मौजूद हो तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि एक पेशेंट आया आपके पास, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, ठीक है, तो इसमें एंटीजन क्या होगा और एंटीबॉडीज कौन से होंगे, ठीक है, ये आपने बताना है मुझे। और जिसने आंसर किया वो जस्टिफाई भी करेगा कि क्यों। डिस्ट्रॉय हो जाएंगे सेल्स, वेरी गुड, दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, वेरी गुड, ठीक है। आपके पास पेशेंट आया, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव है, इसके अंदर कौन कौन से एंटीजन्स मौजूद हैं, ठीक है, और कौन से एंटीबॉडीज मौजूद है, और एंटीजन कहाँ पे मौजूद होता है, एंटीबॉडीज कहाँ पे मौजूद होते हैं। कोगुलेशन ऑफ ब्लड हो जाएगी, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देंगे एंटीजन को, एंटीबॉडीज है, बोथ आर सेम, वेरी गुड। इसका भी कोई आंसर कर लिया, हाफ आंसर तो आप लोगों ने कर ही लिया, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों को। ठीक है, एंटीजन ए होगा और बी एंटीबॉडीज होंगे, एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडीज कहाँ पे प्रेजेंट होंगे ये भी बता दे। एंटीजन ए जो होगा वो सेल के ऊपर होगा और एंटीबॉडीज जो है वो प्लाज्मा, निशान सेम, वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा कोई और एंटीजन होगा, सिर्फ ए एंटीजन होगा, वेरी गुड, डी एंटीजन भी होगा। डी एंटीजन क्या डिनोट करता है, क्या मकसद क्या है डी एंटीजन का? एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन सीरम, क्वेश्चन रिपीट कर दें, सबने आंसर भी कर दिया, आप कह रही हो क्वेश्चन रिपीट कर दें। आपके पास एक पेशेंट आया, ठीक है, पेशेंट का ब्लड ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव है, अब उसके ब्लड के अंदर कौन कौन से एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे और कौन कौन से एंटीबॉडीज होंगे,
और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ठीक है, वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल ठीक है कि डी एंटीजन जो है वो आरएच फैक्टर है, ठीक है, उसके वजह से उसका ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है। एंटीजन जो उसके ब्लड सेल के ऊपर आरबीसी के ऊपर मौजूद है वो क्या है, वो ए एंटीजन है, इसकी वजह से इसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए। और एंटीबॉडीज जो उसके प्लाज्मा के अंदर मौजूद है वो क्या है, वो बी एंटीबॉडीज है। ठीक है, वेरी गुड, इसका मतलब आप लोगों को समझ आ गई है। चल वेरी गुड, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलस। ठीक है, लेकिन टॉपिक जरा लेंथी है तो इस वजह से ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर भी स्टार्ट होने लगा है 5 मिनट के अंदर अंदर, तो अगर इस आज के लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन हो या कल के लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो या अगर वैसे ही कोई पढ़ रहा हो, मुश्किल ही है कि कोई पढ़ रहा होगा, लेकिन अगर कोई फिर भी अगर कोई पढ़ रहा है और किसी को कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टॉपिक में तो आप लोग पूछ सकते हो। डी एंटीजन दोबारा बता दूं, ठीक है, डी एंटीजन आरएच फैक्टर का एंटीजन है। ठीक है, अगर किसी के ब्लड ग्रुप में डी एंटीजन मौजूद होगा तो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव होगा, अगर एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? मैक्रोबायोटिक्स, ठीक है, मैक्रोबायोटिक्स जो है ये डाइट से, मैक्रोबायोटिक जो है ये डाइट है, ये डाइट जो है ये पुरानी एक सिविलाइजेशन जो कि एक पुराना सिविलाइजेशन है, ओल्ड सिविलाइजेशन है बुद्धिज्म का, बुद्धिज्म सिविलाइजेशन से ये डाइट जो है ये आ रही है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि ये जो ये एक बैलेंस डाइट है जिसमें चाइनीज सिविलाइजेशन और बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है ये। इन्होंने कहा था कि मैक्रोबायोटिक जो है ये ऐसी डाइट है जिसमें जो है आपका इन और यांग ये दोनों जो है चाइनीज कहते हैं कि ये दो एनर्जीज हैं जो कि बॉडी के अंदर इसका ये बैलेंस में रहती है, अगर ये बैलेंस में है तो हम जो है वो हेल्दी रहेंगे, अगर इसका बैलेंस जो है वो खराब हो जाए इम्बैलेंस हो जाएंगे तो हम जो है हमारा हेल्थ जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इनका ये कॉन्सेप्ट था कि मैक्रोबायोटिक डाइट वो डाइट है जिसके जरिए जिसकी वजह से हमारा इन और यांग जो है दोनों बैलेंस में रहते हैं। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? वो नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव के अंदर जो है वो डी एंटीजन मौजूद है, टाइप 4 की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, टाइप 4 तो हमने पढ़ा भी नहीं है, अभी तो हम टाइप 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, चले अब मैम आ गई है, मैम गुस्सा कर रही है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड कर लेते हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कल पूछ सकते हैं। और टाइप 4 हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।